नमस्कार दोस्तों, वेबन विधारी ओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, सूची वाले प्रश्नों का ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उससे जा करके पहले पार्ट को देख लीजिए। क्योंकि आगामी कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े हो, सभी जगह ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, UPSC से लेकर के छोटे एग्जाम तक भी ये सब प्रश्न मिलेंगे। अब छोटे एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है किस वर्ष लागू किया गया, अगर सिंपल पूछेगा प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2001। जब इसी चीज को कूट बना के देगा, जैसा हम आप सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो UPPCS में, UPSC में या कोई और स्टेट PCS हो या कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब इसका मिलान करना है। सूची 2 है 2000, 1993, 1999, 2001। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको सही आंसर देना होगा। तो हम आपको बता दें, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 हो जाएगा, मतलब पहले ए का हो जाएगा 4। दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब चालू किया गया, 1999। तो बी का जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद रोजगार गारंटी योजना, तो रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई थी 1993 में। अगला प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी 2000 में। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार विकल्प कौन सा सही हो गया, तो विकल्प सही हो गया डी। विकल्प कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची इसमें भी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग सूचियों को। पहला है उष्मा से वैद्युत, वैद्युत से ध्वनि, द्रव्यमान से उष्मा, रासायनिक से जो है उष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, अब आपको इसको सेटिंग बनाना होगा, दूसरे वाले सूची से इसको सेट करना हो। दूसरी सूची में दिया गया पहला कार ब्रेकिंग, नाभिकीय रिएक्टर, लाउड स्पीकर, सौर सेल और ईंधन दहन। इसको सेट करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा आपको चूज करना है। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। तो सबसे पहले है इसमें उष्मा से वैद्युत। तो उष्मा से वैद्युत क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है ये आपका हो जाएगा सौर सेल। क्लियर, तो ए का हो गया 4। वैद्युत से ध्वनि, तो वैद्युत से ध्वनि कौन सा होगा आपको ये सेट करना है। तो वैद्युत से ध्वनि इसका हो जाता है ये आपका हो जाएगा सौर सेल। ठीक है, सौर सेल पहले वाले का मतलब लाउड स्पीकर हो जाएगा, तीसरा वाला इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अगला इसमें देखते हैं हम लोग द्रव्यमान से उष्मा। द्रव्यमान से उष्मा का कौन सा होगा, तो द्रव्यमान से उष्मा का होगा नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, ये होगा नाभिकीय रिएक्टर। अगला है रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश हो जाएगा आपका ये ईंधन दहन, पांचवा। तो इस प्रकार इसका विकल्प कौन सही हो गया, तो विकल्प इसका बी सही हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इधर सूची दिया गया है, आपको मिलान करना है। ए है हसन निजामी, ख्वांदा मीर, सी है मोहम्मद काजिन, डी है भीमसेन। दूसरी तरफ इसका मिलान करना है, आलमगीर नामा, नुस्खाए दिलकुश, हुमायूं नामा, ताजुल वासीर। तो इसमें से कौन सा आपको सेटिंग करना होगा, तो इसको सेट आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका सेट क्या होगा, पहला हसन निजामी, हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांदा मीर। तो ख्वांदा मीर का क्या होगा, तो ख्वांदा मीर का होगा हुमायूं नामा। ठीक है, मोहम्मद काजिन, तो मोहम्मद काजिन का क्या होगा आपको जवाब देना है, तो मोहम्मद काजिन का हो जाएगा आलमगीर नामा। और भीमसेन, भीमसेन का हो जाएगा 2, नुस्खा ए दिलकुश। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हुआ, तो विकल्प आपका सही हो गया ए। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 यहां पे भी दिया गया, तो आप सूचियों का मिलान करना है आपको।
तो देखिए, पहला है ब्रह्म समाज, बी है मानव धर्म समाज, सी है आर्य समाज, डी है नदव उल उलमा। सूची दो है इसके सामने, मुंबई, सूरत, कोलकाता और लखनऊ। आपको इसकी सेटिंग बनानी है कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए क्या इसका विकल्प सेट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया गया ब्रह्म समाज, ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज का क्या होगा ये आपको लगाना है। तो ब्रह्म समाज का क्या होगा, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई, तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्लियर, ठीक है। और दूसरा है मानव धर्म सभा, तो मानव धर्म सभा जो हुआ है वो हो गया सूरत। ठीक है, आर्य समाज, आर्य समाज कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, तो आर्य समाज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हो जाएगा मुंबई। क्लियर, आर्य समाज का मुंबई हो गया। नदव उल उलमा का कहाँ हो जाएगा, तो बचा क्या आपके सामने, लखनऊ। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इस प्रकार आपका कौन सा सही आंसर बन रहा है, तो डी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, इसको मिलान करना है इसकी सहायक नदियों से, भीमा केन मंजरा सोन, इसको मिलान करना है। तो क्या इसका आंसर होगा आपको देखना है। जैसे गंगा की सहायक नदी क्या है, तो सोन हो गई। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी क्या है, तो गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा। ठीक है, कृष्णा का क्या होगा, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। ठीक है, यमुना की सहायक नदी क्या है, केन है, ये फतेहपुर के पास जो है मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जगह वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार विकल्प कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो डी हो गया इसका विकल्प सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है दिया गया है नदी और दूसरी तरफ दिया गया है देश, मिलान करना है। जैसे पोटोमैक नदी, नील, टिग्रिस, टेम्स, तो इसके किनारे जो देश है या जिस देश में ये बहती है वहाँ कनेक्ट करना है। इंग्लैंड, दूसरा यूएसए, तीसरा इराक और चौथा सूडान। तो इसको सही सुमेलित करना है हम लोगों को, तो इसको सही से सेट कर लेते हैं हम लोग। तो इसको मिलान करते हैं हम लोग, चलिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा वो हम लोग को देखना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सबसे पहली नदी इसमें कौन सी है, तो सबसे पहली नदी है इसमें दिया गया है, वो दिया गया है पोटोमैक। तो पोटोमैक का क्या होगा आपको ये सोचना है। ठीक है ना, इसमें सेट करिए। ठीक है, तो इसका पोटोमैक का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूएसए। पोटोमैक का क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है नील नदी, तो नील नदी का हो जाता है सूडान। नील नदी कहाँ है, सूडान में है, तो आपको वहाँ कनेक्ट करना पड़ा सूडान से। तीसरा इसमें है जो है आपका टिग्रिस, तो टिग्रिस का क्या होगा आपको ये समझना है। तो टिग्रिस का आंसर हो जाएगा आपका इराक। अब बचा टेम्स, टेम्स कहाँ है, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा विकल्प इसका सही होगा आपको ये सेट करना है। तो इसका विकल्प देखिए, जो इन सबको टैली करता हो, तो ये विकल्प ऐसा है, ये सी वाला होगा कि पोटोमैक कहाँ है, तो पोटोमैक आपका आंसर हो गया जो है यूएसए में है। नील नदी कहाँ है, तो नील तो आपको पता है ये है आपका सूडान में। ठीक है ना, टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस आपका इराक हो जाएगा और टेम्स आपका क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो अगला 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। देश तरफ है, एक दूसरे तरफ है राजधानी, तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे। दूसरे तरफ है ओस्लो, रिक्जाविक, सोफिया, ठीक है, तिब्लिसी। तो इसको आपको सेटिंग बनाना है जो है देश को राजधानी के साथ इसको जोड़ना है। तो आप आइए सबसे पहले बुल्गारिया की बात करें, तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है आपको ये देखना है, तो बिल्कुल जॉर्जिया की जो राजधानी है वो क्या है, तिब्लिसी है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, आइसलैंड की राजधानी आपको सोचिए, बहुत आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल से ऐसे पूछा गया, आइसलैंड की राजधानी क्या है या सबसे उत्तरी राजधानी क्या है, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा रिकजाविक। ठीक है ना, अगला बचा नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो।
यहीं पे शांति पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे बाकी जो छः क्षेत्रों में दिया जाता है, पांच जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। यही शांति का सिर्फ जो है दिया जाता है ओस्लो में, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हो गया? तो विकल्प इसका सही हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है, कहवा, जूट, चावल, गेहूं, मिलान कर दीजिए। उत्पादक क्षेत्र प्रेरी मैदान, यांग टीसी मैदान, साओ पालो पठार, गंगा डेल्टा, इसको आपको कनेक्ट कर देना है दूसरे साइड में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कहवा का क्या होगा? कहवा साओ पालो पठार है, वहाँ पे जूट कहाँ होता है? तो जूट आपका आंसर हो जाएगा जो है गंगा की डेल्टा। इसे जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे। चावल की बात किया जाए, चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होगा? तो उसको सोचिए, चावल आपका हो जाएगा, चावल हो जाएगा यांगटीसी नदी जो है उसका जो मैदान है वहाँ पे। अगला बचा गेहूं, गेहूं आप जानते हो, गेहूं, मक्का, ये सब जो है प्रेरी मैदानों में होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत बड़े बड़े गेहूं के दाने होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े गेहूं के दाने देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, ठीक है। चलिए अगला हम आगे बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ पे व्यक्ति दिया गया, दूसरा उससे संबंधित जो जिसमें उसका योगदान रहा उसको देखना है, जैसे एम एस स्वामीनाथन, एल के झा, वी जी कुरियन, मोरारजी देसाई, इसको कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। इनकी क्या उपलब्धि रही है कहने का मतलब, तो इसका सही आंसर क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले स्वामीनाथन की बात किया जाए, तो स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, सबको पता है, ठीक है। अगला ए के झा की बात किया जाए, तो ए के झा का संबंध किससे है आपको बताना है। तो ए के झा का जो संबंध है वो कराधान से है, टैक्सेशन से है। वी जी कुरियन का संबंध किससे है, ठीक है। वी जी कुरियन का संबंध किससे है? तो वी जी कुरियन का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। मोरारजी देसाई का संबंध किससे है? तो मोरारजी देसाई का संबंध बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से है, मोरारजी देसाई का संबंध। तो कुल मिलाकर ये विकल्प जो हो गया आपका क्या हो गया, ये बी हो गया इसका विकल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक तरफ जनपद दिया गया, दूसरी तरफ इसका मुख्यालय दिया गया, जैसे गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे दिया गया अमरोहा, खलीलाबाद, नवगढ़, नोएडा, इसको आपको टैली करना है। तो सबसे पहले आपको इसको मिलान करके फिर इसका जो सही कूट होगा उसका आपको चुनाव करना होगा। जैसे गौतम बुद्ध नगर का क्या है हेडक्वार्टर? तो वो है नोएडा। ज्योतिबा फूले का क्या है? वो है अमरोहा, ठीक है। संत कबीर नगर का क्या होगा? संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, ठीक है। सिद्धार्थ नगर का क्या होगा? सिद्धार्थ नगर का क्या होगा? नवगढ़ होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर समझना है। तब देखिए कूट कौन सा जो है हो सकता है, तो ए तो है नहीं, बी है नहीं, सी नहीं, तो ये उसका आंसर हो जाएगा डी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक तरफ विशेषता दिया गया है, दूसरी तरफ डेट दिया गया है कोई, जैसे टेक्नोलॉजी दिवस, फोटोग्राफी दिवस, नेशनल स्पोर्ट दिवस, नागासाकी दिवस, तो क्या है इसमें तिथि को उसको जो है क्या करना है, सेट करना है। तो सबसे जैसे दिया गया है टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, क्लियर हो गई बात। अब देखिए कूट कहाँ पे सेट हो रहा है, आपको उसी हिसाब सेट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ अभ्यारण दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। अभ्यारण और राज्य का जो है मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग इसका। जैसे सबसे पहले दिया गया गर्म पानी, गर्म पानी का क्या होगा आपको मिलान करना है इसका, तो गर्म पानी का हो जाएगा आपका असम, ठीक है ना। नाम दफा का क्या होगा? तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद परवल का क्या होगा? आंध्र प्रदेश राज्य में। सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का राजस्थान। तो इस प्रकार से ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करते, एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है। तो ये लेखक है अमृतलाल नागर, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, शरद चंद्र चटर्जी, जयदेव, उनकी पुस्तकों से मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं इनकी पुस्तकों का, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आपको चूज करना होगा। जैसे आपका क्या है, अमृतलाल नागर है अमृत और विष, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत का क्या होगा, आपको सही जवाब इसका समझना है। तो सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा आपका चिदंबरा। शरदचंद चटर्जी का क्या होगा आपको ये सोचना है। तो शरदचंद चटर्जी का क्या होगा, तो शरदचंद चटर्जी का हो जाएगा देवदास। जयदेव का क्या होगा ये सोचना है। तो जयदेव का विकल्प आपका हो जाएगा गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचयिता भी अलग से भी पूछा जाता है, वो है जयदेव। याद रखिएगा अमृतलाल नागर की पुस्तक क्या है, अमृतलाल नागर की पुस्तक है अमृत और विष। सुमित्रानंदन पंत की बात करें चिदंबरा, शरदचंद चटर्जी की बात किया जाए तो देवदास, और जयदेव की बात किया जाए तो गीत गोविंद। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आपको सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक है। लेखक के नाम है जैसे राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, एस एन बनर्जी और महात्मा गांधी। इनके पुस्तक को इसमें आपको सेट करना है, चूज करना है। तो इसका सही भी क्या होगा आपको, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। दिलीप मुखर्जी ने क्या लिखा है, टेररिस्ट, ठीक है। एस एन बनर्जी की पुस्तक कौन सी है, तो एस एन बनर्जी की पुस्तक है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी का कौन सा होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। कौन सा विकल्प सही हो रहा, तो विकल्प नंबर सी सही हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं, एक तरफ सूची एक दिया है, दूसरी तरफ मिलान करना है, ठीक है। तो आप इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली हो गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है, उदयपुर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है, तो रांची हो गया जो है। इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड का क्या है, वो है कोटा हो गया जो है। इस प्रकार से विकल्प कौन सा सही हो गया, तो विकल्प आपका सही हो गया सी। तो 20 का क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ नृत्य दिया गया है। राज्य का और नृत्य के साथ इसका मिलान करना है, तो क्या होगा आपको मिलान। जैसे असम का नृत्य क्या है, तो असम का नृत्य है लुंडी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्या होगा आपको ये सोचना है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल का, तो हिमाचल प्रदेश का सोचिए क्या हो सकता है, इसमें चूज करना है। तो हिमाचल प्रदेश का आपको चूज करना है, तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका, ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा ओजापली, ठीक है। पश्चिम बंगाल का क्या होगा, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा जात्रा, ठीक है। बिहार का क्या हो जाएगा, तो आपका बचेगा जाटा जारिन, ठीक है। इस प्रकार विकल्प कौन सा सही हुआ, तो विकल्प आपका सही हो गया बी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ पौधा दिया गया, दूसरी तरफ इसका उपयोग दिया गया, जैसे ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना, तुलसी। इसका उपयोग क्या है आपको ये बताना है, तो इसका उपयोग क्या होगा ये सोचना है। तो जैसे ब्राह्मी क्या है, ब्राह्मी मस्तिष्क टॉनिक होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्राह्मी का यूज क्या, मस्तिष्क के रूप में होता है। दो, सदाबहार का क्या होगा, सदाबहार का युग मधुमेह वाले डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। पुदीना क्या करता है, वाथर, मतलब गैस वगैरह के लिए। तुलसी क्या काम क्या है, तो कफोत्सारक है, मतलब कफ वगैरह जो होते हैं उसको ठीक करने में, इसलिए तुलसी बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। ऐसे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है आपको क्वेश्चन नंबर 23 में चल के। एक तरफ पहाड़ी दर्रा दिया गया, दूसरी तरफ जो है राज्य दिया गया है। तो जैसे दिया गया है तो आप इसमें चूज करना है। तो जैसे बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम में है नाथुला दर्रा जो है। इसी प्रकार से नीति दर्रा कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड उत्तरांचल में है, ठीक है ना। शिवकी दर्रा कहाँ है, तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से आपका विकल्प चूज करना हो, तो विकल्प आपका हो जाएगा बी। क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ ऐसे बढ़ते हैं। दो दिया गया है, कूट मिलान करना है हम लोगों को। एक तरफ स्थान दिया गया है और वहां पर क्या बनता है इसके साथ कनेक्ट, जैसे फिरोजाबाद, कानपुर, नजीबाबाद, सहारनपुर, इन सबको। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है आपको ये सोचना है। तो फिरोजाबाद आप पता होगा कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए, चमड़े की सामान के लिए हो गया। नजीबाबाद की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आपको ये सोचना है। तो ठीक, प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद प्रसिद्ध है। सहारनपुर जो है कागज और लुगदी उद्योग के लिए है। तो बड़ा आसान सा था, तो इसका ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। क्लियर। अगला समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न बार बार आते, आप प्रैक्टिस करके जाओगे इतना मजा आएगा कि जो कठिन प्रश्न लोगों के छूट जाएंगे, जहां लोगों को कन्फ्यूजन होगा वहां आप एकदम बढ़िया करके आओगे। ठीक है, जानबूझ के ऐसे प्रश्नों का पूरा सीरीज चला रहा हूँ, इसको बनाया गया है, जितना एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न सबको इकट्ठा किया गया, सबको बहुत सुव्यवस्थित ढंग से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। आशा करते हैं आपकी इसका पूरा आप फायदा उठाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा किस वाद्य यंत्र किसके लिए प्रयोग किया है किसने, जैसे रविशंकर किस में क्षेत्र में, तो हरिशंकर प्रसाद, ओंकारनाथ ठाकुर, बिस्मिल्ला का, तो क्या है किसके है इसे हम लोग को कनेक्ट करना है, इसका क्या होगा, तो आपको उसको चूज करना है। जैसे रविशंकर का क्या हो जाएगा, तो रविशंकर का हो जाएगा सितार। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये हो जाएगा बांसुरी इनका। ओंकारनाथ ठाकुर का क्या होगा, तो ओंकारनाथ ठाकुर का हो जाएगा वायलिन। इसी प्रकार से बिस्मिल्ला खां का अगर हम लोग देखें तो सहनाई। अभी बिस्मिल्ला खां का जो है पीसीएस में वहाँ पे एआरओ का पेपर हुआ था, वहाँ पे भी पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न लगातार आप कोई भी पेपर दीजिए, एकदम मजा आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए विकल्प कौन सा इसमें फिट खा रहा है वो आप समझ लीजिए। तो इसका विकल्प कौन सा होगा आपको ढूंढना, तो विकल्प हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस करते हैं इस वीडियो में, 25 नंबर तक हम लोग पहुँच गए। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग का अगर इसमें सपोर्ट मिला तो इस क्रम को हम लोग काफ़ी अच्छे स्तर तक पहुँचाएंगे, लगभग 15-20 इस पर वीडियो बनाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो बस करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिले, जिसका फ़ायदा आप जल्दी जल्दी उठा सके। हमारे सहयोग के लिए आप चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो है इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।